गुड मॉर्निंग सेकेंड क्लास, टुडे वी विल रीड इन साइंस बुक. ओपन द चैप्टर 8 इज गोइंग ऑन. ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड नेक्स्ट टॉपिक सेफ्टी इन द पूल. आज हम यहाँ नेक्स्ट रीड करेंगे. यस स्टार्ट. नेवर गो फॉर स्विमिंग अलोन. अलोन मीन अकेले. नेवर कभी भी तैरने के लिए अकेले नहीं जाना चाहिए. डू नॉट गो इन टू द डीप वाटर. डू नॉट गो इन टू द डीप वाटर. और कभी भी गहरे पानी के अंदर हमें नहीं जाना चाहिए. ऑलवेज यूज ए स्विमिंग ट्यूब. और हमेशा स्विमिंग के अंदर हमें स्विमिंग ट्यूब का इस्तेमाल करना चाहिए. सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड खेल के मैदान में सुरक्षा. प्ले इन सेफ प्लेसेस लाइक पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स. प्ले इन सेफ प्लेस. हमेशा खेल सुरक्षित जगह पर खेलें, जैसे पार्क में और प्लेग्राउंड खेल के मैदान में. डू नॉट प्ले विद शार्प मीन नुकीले और पॉइंट एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स. और हमेशा किसी भी जो शार्प तेज जो नुकीली होती है, धारदार चीज़ें होती हैं, उनसे नहीं खेलना चाहिए. प्ले सेफ गेम्स. और हमेशा खेल सुरक्षित जगह खेलें. डू नॉट पुश योर फ्रेंड्स वाइल प्लेइंग. और पुश मीन धकेलना, धक्का देना. खेलते टाइम अपने फ्रेंड को धक्का नहीं देना चाहिए. ओके नेक्स्ट. सेफ्टी ड्यूरिंग फेस्टिवल्स. सेफ्टी मीन सभी बच्चे जानते हैं सुरक्षा. ड्यूरिंग फेस्टिवल त्यौहार के समय सुरक्षा. तो हम किस तरीके से सुरक्षा करेंगे. एन्जॉय फेस्टिवल्स बट बी केयरफुल. एन्जॉय आनंद लें फेस्टिवल त्यौहारों का आनंद लें, लेकिन सावधानी से. लाइट कैंडल्स एंड लैम्प्स विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. पेरेंट्स मीन माता पिता. जो लाइट कैंडल्स हैं, मोमबत्ती और लैम्प, इनको जलाने के लिए अपने माता पिता की हेल्प लें. डू नॉट प्ले विद क्रैकर्स. और पटाखों से ना खेलें. ओके जो फेस्टिवल हैं उनके अंदर आप किसी भी जो क्रैकर से ना खेलें. और कैंडल लाइट जलाने के लिए माता पिता की हेल्प लें. नेक्स्ट फर्स्ट एड. फर्स्ट एड मीन प्राथमिक चिकित्सा. यू शुड आपको हमेशा बी केयरफुल टू अवॉइड एक्सीडेंट. हमेशा दुर्घटनाओं से बचने के लिए सावधान रहें. इवन देन इफ समवन गेट्स हर्ट. अगर किसी को चोट लगती है तो वी शुड हमें बी प्रिपेयर टू हेल्प बिफोर द डॉक्टर कम्स. हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए डॉक्टर के आने से पहले. और यू गो टू द डॉक्टर. और डॉक्टर के जाने से पहले हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए. यू शुड कीप. हमेशा आपको कीप मीन रखना. द फर्स्ट एड बॉक्स रेडी. प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स हमेशा अपने पास रखना चाहिए. रखें. इट शुड कंटेन. और इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए. बेसिक थिंग जैसे कि लाइट बैंड एड स्ट्रिप्स एंटीसेप्टिक लिक्विड कॉटन बैंडेज सीजर्स ये और एक्सेट्रा. सीजर्स मीन कैंची. तो ये जो होती है ये सारी चीज़ें फर्स्ट एड बॉक्स में होना चाहिए. यू शुड टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. और यू शुड आपको टेक लेनी चाहिए द हेल्प ऑफ द पेरेंट्स इन गिविंग फर्स्ट एड. प्राथमिक जो उपचार करने के लिए अपने प्राथमिक चिकित्सा में अपने माता पिता की मदद लेनी चाहिए. योर चैप्टर इज कम्प्लीट. आपको ये रीड करना है और समझना है. और इसके हार्डवर्क आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे. आपको वर्क नोटबुक में करना है. ओके स्टूडेंट थैंक यू.